छोटा स्कूल के ऑल प्री नर्सरी चिल्ड्रन, सो हाउ आर यू एंड ऑल माय रेस्पेक्टेबल पेरेंट्स। सो अभी हम बहुत ही प्यारी सी, बहुत खूबसूरत एक्टिविटी करने वाले हैं, और उससे पहले मैं आपको पोटैटो की पिक्चर दिखाऊंगी, पेज नंबर 3, माय फर्स्ट पिक्चर बुक, जो कि आप जानते हैं। यस, दिस इज पोटैटो। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, दिस पोटैटो इज ब्राउन इन कलर। सो हम आज इसकी बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी करेंगे। सो दीज इंस्ट्रक्शंस आर फॉर माय रेस्पेक्टेबल पेरेंट्स, जो मैं आपको आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। सो मटेरियल रिक्वायर्ड, बॉयल्ड पोटैटो, उबले हुए आलू एंड कुकुम्बर, खीरा। सो बिगिन द एक्टिविटी। आप किस तरीके से एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे? सो पेरेंट्स प्लीज बी रेडी विद बॉयल्ड पोटैटो, शो टू द चाइल्ड बॉयल्ड पोटैटो। नाउ द चाइल्ड विल पील द पोटैटो, आपके साथ वो पील करेंगे पोटैटो विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपके साथ ही वो पील करेंगे। through this step, through this activity, आप कह सकते हैं child will enhance his or her motor skills. We will make potato man. आज हम potato man बनाएंगे। Parent will make a potato man with boiled potato, जैसे कि मैंने बताया, using green boiled peas, मतलब आपको जो है मटर के जो दाने हैं वो boil होने चाहिए उसके लिए, फॉर मेकिंग आइज, पोटैटो मैन की आइज जो हैं वो, उसके लिए आपको बॉयल पीस की ज़रूरत है। सो लेट्स डू अ राइम ऑल्सो। बॉयल पोटैटो, रो पोटैटो, ब्राउन पोटैटो एंड बॉयल पोटैटो, यमी पोटैटो। पोटैटो इज किंग ऑफ वेजिटेबल्स, ये आप भी बताएंगे अपने बेबीज को और मैं भी बता रही हूँ। पोटैटो इज किंग ऑफ वेजिटेबल्स। सो चाइल्ड विल डू एक्टिविटी शीट रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट। ये एक्टिविटी के बाद में, ये बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी है, इसमें आप लोग दोनों ही बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। सो दीज इंस्ट्रक्शंस आर ऑल फॉर द पेरेंट्स, जो कि मैंने आपको दिए हैं अभी। सो प्लीज़ हेल्प देम आउट, आप उनके साथ रहेंगे अपने बेबीज के साथ एंड एन्जॉय दिस एक्टिविटी। जैसे कि हम बात कर रहे थे पोटैटो के बारे में, तो ये देखिए आपके साथ में, पेरेंट्स के साथ में बेबीज जो हैं वो पोटैटो को पील करेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ऑब्वियसली आपको पता है, बट वो आपके साथ करेंगे जैसे कि मैंने बताया। इससे उनका मोटर स्किल्स बहुत अच्छा होगा, और इस तरीके से फील करने के बाद में आपको मैं बता देती हूँ कि हाउ टू मेक पोटैटो मैन। उसके लिए आप फर्स्ट वाला जो उसका टॉप है वो बिल्कुल छोटा सा कट करेंगे, बहुत ही छोटा सा, एक इस तरीके से, लाइक दिस। उसके नीचे थोड़ा सा उससे बड़ा, और उसके नीचे मतलब इस तरीके से, और उसके नीचे थोड़ा सा उससे और बड़ा, बस दो या तीन पीसेस आप करेंगे। एंड आफ्टर देन आप जो हैं वो पीस, जो मटर जो हैं वो आप उनकी आइस पर की जगह पर लगाएंगे पोटैटो पर, बॉइल्ड, मतलब जो मटर हैं वो बिल्कुल बॉयल होनी चाहिए, और उनके हैंड्स भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। सो दिस विल बी अ पोटैटो मैन, मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस विल बी लाइक दिस। ये जो है ये पोटैटो मैन, ये इस तरीके से आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं, इनके हैंड्स भी हल्के हल्के से मैंने बनाए हैं, ये दीज आर हैंड्स, ये देखिएगा, ये हैंड्स हैं इनके। एक हैंड को वो सामने, ऐसे सामने इशारा कर रहे हैं, इसलिए वो आपको, मैं आपको बता रही हूँ कि इसलिए वो सामने की तरफ है, बिकॉज वो इशारा ही सामने की तरफ कर रहे हैं। दिस इज़ हैंड, दिस इज़ सेकंड हैंड एंड दिस इज़ फेस। ये पीस आप देख रहे हैं, और उसके नीचे ये देखिए, ये जो कट पीसेस हैं, जिस तरीके से भी आप इसको और भी अच्छे तरीके से, बिल्कुल यू ऑल आर क्रिएटिव आई नो, आप इसको और भी अच्छे तरीके से आप अपने तरीके से बना सकते हैं। सो लेट्स डू दिस एक्टिविटी एंड लेट्स एन्जॉय दिस एक्टिविटी। ये बहुत ही प्यारी और खूबसूरत एक्टिविटी है, इससे बच्चों को मज़ा भी आएगा और वो आपको हेल्प भी कर देंगे पीलिंग में, और पोटैटो वो खाएंगे भी, और वेजिटेबल्स की तरफ उनका और ज़्यादा ध्यान जाएगा। सो लेट्स डू इट एंड लेट्स एन्जॉय दिस एक्टिविटी।